ग्रेविटी डैम के बारे में। अब देखो ग्रेविटी डैम क्या होता है, देखो वेरियस टाइप्स ऑफ डैम के बारे में हम प्रीवियस वाले लेक्चर के अंदर जान चुके हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सर ग्रेविटी डैम के अंदर आपका होता क्या है, ग्रेविटी डैम के अंदर आपका किस तरीके से फोर्सेज जो है उसकी कैलकुलेशन हमारी की जाती है। तो देखो ग्रेविटी डैम एक लगभग लगभग अगर मैं मानूं इसकी प्रोफाइल तो एक राइट एंगल ट्राइंगल जैसी दिखती है आपको, जनरली आपको राइट एंगल ट्राइंगल की जैसी दिखती है। आपने शू देखा, अपना खुद का शू पहना होगा, तो शू में ये वाला पार्ट होता है आपका हील और ये वाला पार्ट होता है आपका टो, ठीक है। तो इसमें भी डैम में भी यहाँ पर सेम है आपका ग्रेविटी डैम के अंदर कि यहाँ पर हील होगा वहां पर टो होगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि हर बार ये स्ट्रक्चर आपको ऐसा ही देखने को मिले, आपको हो सकता है इट मे बी पॉसिबल कि आपको ग्रेविटी डैम जो आपने देखा हो उसके बेस को बढ़ाने के लिए इसको थोड़ा सा ऐसा कर दिया जाए। देखो इसको क्या है कि बेस को बढ़ाने के लिए इसकी जो बेस विड्थ है, इस बेस विड्थ को आपने यदि यहाँ पर हमको बढ़ाना चाहें तो इसको बढ़ाने के लिए, इसके बेस को बढ़ाने के लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर इसको थोड़ा सा लार्ज कर देते हैं, इस साइड से बढ़ा देते हैं, ठीक है। बट अब भी ये वाला पार्ट आपका हील है और ये वाला पार्ट आपका टो है, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अपनी बात आती है कि सर बेस को बढ़ाया क्यों, तो यहाँ पर ग्रेविटी डैम के अंदर एक बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है कि ग्रेविटी डैम के ऊपर जितनी भी तरह से फोर्सेज आएंगे, देखो ग्रेविटी डैम का मतलब है इस टाइप का डैम जिसके ऊपर कोई भी फोर्स आए, चाहे किसी भी टाइप का फोर्स आ रहा है, चाहे वाटर उसके ऊपर प्रेशर लगा रही है, चाहे वेव की वो तरह से प्रेशर आ रहा है, चाहे अर्थक्वेक का प्रेशर आ रहा है, किसी भी तरीके का आपका फोर्स आ रहा हो, वो सारे फोर्स इसका सेल्फ वेट जो है वो बैलेंस करेगा, यानी कि सारे के सारे स्टेब डी जितने भी डी स्टेबल करने के लिए जो भी फोर्सेज आएंगे उन सबको स्टेबल करने का काम किसका है, मेरे सेल्फ वेट का है। यानी कि यहां पर मेरे पास स्टेबलाइजिंग फोर्स बात करूं तो मेजर स्टेबलाइजिंग फोर्स बोले चाहे ओनली स्टेबलाइजिंग फोर्स बोले, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स को लेना है कि इसका सेल्फ वेट ही इसको क्या करेगा, सारे के सारे जितने भी फोर्सेस हैं जो कि इसको डिस्टेबल करने को लगेंगे, जो भी इसको गिराने को लगेंगे, उन सबको कौन काउंट्रैक्ट करेगा, आपका सेल्फ वेट काउंट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारा ग्रेविटी डैम क्या होता है, एक बल्की स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और जनरली इसको मशीनरी से बना सकते हैं हम, या फिर हमारा हो सकता है कि हमने कॉन्क्रीट से बना दें, ठीक है। जनरली इन दो चीजों से बनाते हैं। आपने एग्जाम्पल फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप बात करना चाहें तो आपने भाखड़ा डैम का नाम सुना होगा, ऑब्वियस सी बात है सबने सुना होगा, ऑल विजिटर्स। तो भाखड़ा डैम भी एक तरह से ग्रेविटी डैम है, उसके अंदर भी जितने भी फोर्सेज आ रहे हैं ना, जितने भी वाटर उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, अर्थक्वेक फोर्सेज आ रहे हैं, जितने भी फोर्सेज उसके ऊपर आ रहे हैं, वो सारा का सारा आपको कौन करता है, स्टेबल सेल्फ वेट करने का काम करता है। तो स्टेबलाइजिंग मेजर फोर्स कौन सा हो गया आपका, सेल्फ वेट। अच्छा अब सर इसके ऊपर फोर्सेस कैसे कैसे एक्ट करते हैं, कौन कौन से फोर्सेस हमारे लगने वाले हैं, उन सबके बारे में अभी हम यहां पर जान लेते हैं, देखो ठीक है। और देखो इसकी प्रोफाइल जो है लगभग लगभग देखो तो आपको राइट एंगल ट्राइंगल जैसी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। बस यहां पर इसी तरीके से आपको रखना है। अब देखो यहां पर मैं इसके कैलकुलेशन के लिए यहां पर ये जो लेंथ है, इस लेंथ को हम यूनिट मान के चलते हैं, ठीक है। ये इसकी कुछ हाइट होगी, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं बात कर लूं इसके बारे में, तो देखो सबसे पहली बात तो इसके अंदर कौन कौन से फोर्सेज हमको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला तो मेरा हो गया सेल्फ वेट, सबसे पहला सेल्फ वेट। सेकंड नंबर पे सर कौन सा आएगा, तो देखो इस साइड में यहां पर आपका कुछ ना कुछ अमाउंट में वाटर होगा, बिल्कुल सर बिल्कुल है, पानी तो भरा ही रहेगा। ये वाटर भी तो इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा, ये वाटर इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा, नहीं लगाएगा, बिल्कुल। तो सेकंड आपके पास कौन सा निकल के आएगा, वाटर प्रेशर। आपने कहा सर बिल्कुल सही, वाटर प्रेशर तो आएगा ही आएगा। अब यहां पर थर्ड तरीके से बात करूं तो देखो कुछ एक अमाउंट में अगर यदि आपको आपको वैसे ऑब्वियस सी बात है, अगर आप लोगों को पता भी है ये बात तो, ठीक है। तो यहां से आपके जो सोइल मास के थ्रू यहां पर आपके पास सीपेज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो वाटर आपका सीप करना स्टार्ट कर देता है, तो वाटर सीप करना स्टार्ट कर देता है तो नीचे से ऊपर की तरफ एक अपलिफ्ट प्रेशर लगता है, सोइल मैकेनिक्स में पढ़ा होगा जैसा कि आपने, है ना। तो नीचे से ऊपर की तरफ एक अपलिफ्ट प्रेशर लगता है, देखो इधर से पानी क्या करेगा, सीप करना स्टार्ट होगा, तो क्या करेगा, बेस के थ्रू यहां पर क्या लगाएगा, इस पर फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो ये जो फोर्स लगाएगा ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा। अब चूंकि हमारे पास सबसे मेन क्या है कि यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ वेट के बारे में बात कर रहे हैं कि इसका जो जितने भी सारे के सारे रेजिस्टेंट फोर्स हैं, इसका जो रेजिस्टिंग फोर्स है, मेजर रेजिस्टिंग फोर्स है या मेजर स्टेबलाइजिंग फोर्स है, वो इसका सेल्फ वेट है, है ना। तो सेल्फ वेट इसका मेजर रेजिस्टिंग फोर्स हुआ और ये ऊपर की तरफ लग रहा है तो इसके वेट को क्या कर देगा, कम करने की कोशिश करेगा। तो यहां पर आपके पास कौन सा हो गया, थर्ड नंबर पे अपलिफ्ट प्रेशर,
ये आपका पास निकल के आया है सर अपलिफ्ट प्रेशर। ठीक है, यहां पर बात करें तो नेक्स्ट अगर फोर्थ की बात करूं तो अर्थक्वेक, अगर मान लो अर्थक्वेक की कंसिडरेशन अगर यदि आपने ली है, आपने किसी भी जोन में लिया हो चाहे, तो वहां पर अर्थक्वेक फोर्सेस भी आपके यहां पर निकल के आ गया। ठीक है, अर्थक्वेक फोर्सेस। ठीक है, यहां पर इसके बाद बात कर लें तो इसके अलावा यहां पर आपके पास कुछ एक अमाउंट में सिल्ट प्रेशर भी आपका आ रहा होगा। आप सर कहेंगे सर सिल्ट प्रेशर कैसे आ रहा होगा, तो देखो यहां पर हमने जैसे कि पढ़ा है कि चैनल्स के अंदर जो भी आपके पास अल्यूवियल चैनल्स होते हैं, या अगर मैं बात कर दूं अल्यूवियल चैनल्स के साथ साथ, या फिर हम सीधी सीधी बात करें, देखो ये तो किसके ऊपर बनना है, ये रिवर के ऊपर बनाएंगे हम, जनरल कंस्ट्रक्शन है ताकि वहां से कैनाल वगैरह निकाल पाए, तो यहां पर आपके सिल्ट कंटेंट भी आपके पास निकल के आता है। तो नीचे जो है सिल्ट पार्टिकल यहां पर लगेगा, तो सिल्ट पार्टिकल भी इस पर प्रेशर लगाने वाला है। तो आपने कह दिया कि सर ठीक है सिल्ट प्रेशर भी यहां पर हमने कंसिडर कर लिया। नेक्स्ट अगर यदि यहां पर बात करें तो देखो वेव प्रेशर भी मेरे को यहां पर देखने को मिलेगा, वेव प्रेशर। अब वेव प्रेशर सर क्या होता है, वाटर प्रेशर देख तो लिया। अब देखो जब भी आपकी वाइंड की वजह से टर्बुलेंस आएगी, वाइंड की वजह से, तो ये वेव क्या करेगी, ऐसे 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 चलने लग जाती है आपकी। बिल्कुल देखो जैसे ही वाइंड डिस्टर्बेंस होगा, इसलिए तो स्टिल वाटर का हमने कैलकुलेट किया था, स्टिल वाटर के लिए हमने वाटर प्रेशर कैलकुलेट किया था स्टिल वाटर के लिए, यानी कि पीछे रुका हुआ पानी था तब तक तो हमने क्या समझ लिया कि सर यहाँ पर वाटर प्रेशर आपका लग रहा है। जैसे ही ये क्या किया, वाइंड से टर्बुलेंस आना चालू हुई तो ये वेव बनना चालू हुई, ये वेव भी क्या कराती है, एक्स्ट्रा प्रेशर लगाती है, जिसको मैं वेव प्रेशर बोल देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट अगर यदि यहां पर मैं बात करूं वेव प्रेशर के बाद, तो यहां पर मेरे पास आइस प्रेशर भी यहां पर देखने को मिल जाता है। अब आइस प्रेशर के बारे में आप कहेंगे सर आइस प्रेशर क्या है, तो देखो यहां पर अभी तो हमने वाटर कैलकुलेट किया है, लेकिन अगर यदि यहां पर इन प्लेस ऑफ वाटर स्टिल वाटर यहां पर अगर मैं बात करूं कि सर आइस जम जाए, तो आइस में तो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएगी नहीं लगाएगी आपका, इस पर लगाएगी ना, तो यहां पर जो आइस एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएगी उसको भी हम यहां पर लिख लेते हैं। ये रीजन के ऊपर आपका डिपेंड करता है कि कौन से रीजन में हमारे पास ये आए, तो एक एक करके सबकी कैलकुलेशंस करना स्टार्ट कर देते हैं, फोर्सेस एक्टिंग ऑन ग्रेविटी डैम के ऊपर आगे बढ़ते हैं, तो एक 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 को जान लेते हैं। चलो निकालते हैं, अब यहां से मैं चालू कर देता हूं फोर्सेज एक्टिंग ऑन ग्रेविटी डैम, फोर्सेज एक्टिंग ऑन ग्रेविटी डैम। ठीक, अब देखो यहां पर ये मेरा, ठीक है, अब देखो यहां पर अगर मैं बात करूं तो देखो यहां पर मैं मान लूं कि सर ठीक है इसका एरिया जो है A1 है, इसका एरिया A2 है, ठीक है, इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, ठीक है, और यहां पर ये जो है पर मीटर लेंथ के ऊपर बात करूंगा। देखो आगे कभी भी बोलूं ना मैं तो पर मीटर लेंथ के ऊपर यहां पर मैं बात करने वाला हूं इसकी। आप देखो पर मीटर लेंथ के ऊपर देखेंगे, थर्ड जो डायमेंशन है उसको हमने पर मीटर मानी हुई है, और इसको आप मान लो तो बी, और ये आपके पास हाइट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर यदि मैं बात करूं आपसे, तो देखो सबसे पहला निकालते हैं हम वेट, सबसे पहला निकाल लेते हैं वेट, कैलकुलेशन कर लेते हैं इसका, वेट ऑफ द डैम वेट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो सेल्फ वेट कैसे निकालेंगे हम, सबसे मेजर जो हमारे पास स्टेबलाइजिंग फोर्स है वो यही है। ठीक है, तो वेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं बताओ जरा, तो देखो वेट अगर यदि बात करूं तो देखो इसका पर्टिकुलर कुछ का कुछ वेट होगा W1, इसका होगा W2। ठीक है, अब यहां पर देख लेते हैं सर W1 प्लस W2 को अगर देख लें तो मेरे पास टोटल वेट आ जाएगा। सर W1 कैसे निकालेंगे हम, देखो पहली बात तो हम परिमीटर लेंथ के ऊपर यहां पर डिजाइन कर रहे हैं, तो वो थर्ड तो मेरे पास आ जाएगी। तो आपने यहां पे पढ़ा होगा कि सर अगर यदि आपने गामा की वैल्यू पढ़ी होगी, वेट अपॉन वॉल्यूम, ये तो सोइल के अंदर पढ़ा ही होगा है ना, तो वेट बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। बिल्कुल, तो यहां पर अगर यदि बात करें तो देखो वेट बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूं, वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूं, एरिया इंटू लेंथ, और लेंथ में किस पर डिजाइन कर रहा हूं, पर मीटर लेंथ पे, तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, एरिया इंटू वन। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं लिखूं इसको तो A1 इंटू वन। ठीक है, सेम अगर यदि यहां पर हम बढ़ाएं तो प्लस गामा इंटू A2 इंटू वन। अब देखो ये जो गामा है यहां पर, देखो मान लो कि ये जो मटेरियल है, इस मटेरियल के हिसाब से इसका गामा ले लिया जाएगा। मैं मान लेता हूं यहां कॉन्क्रीट का है, तो गामा सी यहां पर लिख दिया। गामा कॉन्क्रीट का कितना होता है, तो कॉन्क्रीट की डेंसिटी कितनी होती है, 24 होती है। आरसीसी कितनी होती है, 25 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहां से हम वेट कैलकुलेशन कर सकते हैं। सीधी सीधी बात है, वेट निकालना है इन दोनों का, इजी सी बात है, हो गया।
यहाँ पर इसके अंदर आपको बस समझने की बात क्या है कि बस मेजर रेजिस्टिंग फोर्स अगर आपसे पूछे तो वेट को आपको टिक कर देना है। ओके, अब चलो चलते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर, दैट इज माय वाटर प्रेशर। अब देखो यहां पर अगर बात करें तो एज कंपेयर टू यहां पर मैंने इतने फोर्सेज आपको बताए हैं, इनके अंदर से अगर बात करें मेजर डिस्टेबलाइजिंग फोर्स सर कौन सा होगा। देखो मेजर स्टेबलाइजिंग तो हमने एक ही कह दिया क्योंकि स्टेबल ही एक ही करता है आपका। अब डिस्टेबलाइजिंग में तो ये सारी के सारे फोर्स डिस्टेबल करने के लिए लगे हुए हैं, है ना, तो इन सब के अंदर से सर सबसे मेजर फोर्स कौन सा होगा। तो देखो यहां पर एज कंपेयर टू बात करें तो देखो वाटर प्रेशर, अपलिफ्ट प्रेशर, और यहां पर अगर बात करूं तो ये दो प्रेशर जो है मेरे पास ये मेजर फोर्सेज होते हैं, साथ में थर्ड में अर्थक्वेक प्रेशर अगर हम वहां पर कंसिडर कर रहे हैं तो। ठीक है, तो यहां पर ये दो फोर्सेस तो सबसे मेन होते हैं। इन दोनों में से भी अगर बात करें तो वाटर प्रेशर जो है हेवी प्रेशर लगता है यहां से, एज कंपेयर टू सीपेज होने वाला वाटर, स्टिल वाटर पैकेट हमारा सबसे ज्यादा रहता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो फोर्स लगाएगा वाटर प्रेशर, ये वाटर प्रेशर आपका मेजर डिस्टेबलाइजिंग फोर्स होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं मेजर डिस्टेबलाइजिंग फोर्स के रिस्पेक्टिव में, तो यहां पर इसके ऊपर यहां पर लिख दें मेजर डिस्टेबलाइजिंग फोर्स। ठीक है, अब देखो ये लगता कैसे, तो देखो ये मेरे पास डैम है, इसी को बना दे। अब चलो इतना नहीं बनाएंगे, अब ऐसा बनाएंगे। ठीक है, अब ऐसे बना के देख लेंगे। तो यहां पर अगर यदि यहां पर देखो मान लो अपस्ट्रीम एंड में पानी ज्यादा होगा तो ऑब्वियस बात है अपस्ट्रीम एंड पे मेरे को इस साइड ज्यादा प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, इस साइड आपको ये प्रेशर देखने को मिलेगा। प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है आपका, आपने देखा होगा कि प्रेशर कितना लगाता है, रो जी एच, ये आपको पता है प्रेशर। वाटर प्रेशर कितना लगता है, रो इंटू जी इंटू एच, रो इंटू जी को मैं लिख सकता हूं गामा डब्ल्यू, ठीक है, इंटू एच। तो यहां पर गामा डब्ल्यू इंटू एच के बराबर यहां पर आपका लगता है, जो कि हेड के ऊपर इसका डिपेंड करता है। यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि ये जो लगने वाला है अब मेरा वो सिर्फ एच के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी कि जो आपका वेरिएशन होगा वो वेरिएशन कैसा होगा, लीनियर वेरिएशन होगा। यानी कि यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये लीनियर वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इट इज डिपेंडेंट ऑन एच। तो जैसे जैसे एच बढ़ती जाएगी, देखो यहां पर एच जीरो है, यहां पर h की वैल्यू h है ना, तो यहां से यहां पे तो h जीरो है, तो जीरो है, तो यहां पर फोर्स भी जीरो हो जाएगा। इधर आपके पास h है, तो यहां पर आपको जो देखने को मिलेगा गामा w इंटू एच देखने को मिलेगा। ये फोर्स आपका इस डायरेक्शन में ऐसे लगता रहेगा। ठीक है, या नीचे भी अगर टैलेंट पे वाटर माने तो इस तरीके से आपका फोर्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखें तो यहां पर आपका वाटर प्रेशर कितना लग रहा है, गामा w इंटू एच। ठीक है, डिपेंडेंट अपॉन डायरेक्शन। अब यहां पर बात कर लेते हैं सर। ठीक है, ये तो सर हमको आ गया बिल्कुल अच्छे से समझ में। ठीक हो, ठीक हो, तो इसके अंदर कुछ नहीं था, बस रो जी एच को लिख देते हैं हम गामा डब्ल्यू इंटू एच, सीधी सी बात है, ये लिखते थे हम, ऑब्वियसली बात है। तो यहां पर गामा डब्ल्यू इंटू एच से वेरिएशन देख लिया। अब देखो कभी भी किसी का भी फोर्स कैलकुलेशन की बोल दें, अगर यदि आपसे कभी भी फोर्स कैलकुलेशन की बोल दें तो इसका आप एरिया कैलकुलेट कर लिया करो। ठीक है, ये जो हमारे पास फोर्सेस निकल के आ रहे हैं ना, फोर्सेस निकल के आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस, इन सब का एरिया निकाल दो तो आपके पास टोटल फोर्स आपका निकल के आ रहा है। तो टोटल फोर्स आपका कितना निकल के आएगा, तो टोटल वाटर प्रेशर के बारे में बात करें तो वाटर प्रेशर जो है वो कितना निकल के आएगा, तो इसका एरिया कैलकुलेट करो आप। इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, एरिया कितना है, तो देखो सर ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू गामा डब्ल्यू इंटू एच इंटू एच। ठीक है, ये आपके पास हो गया हाफ गामा डब्ल्यू एच स्क्वायर, ये आपको इतना आपको प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। अगर यहां से पूछे सर एक्ट कहां करेगा, तो देखो सभी का एक्ट जो है ना वो आपके सेंट्रोइड पे करता है, इसका भी सेंट्रोइड पे करेगा, इसका भी आप सेंट्रोइड निकालो तो इसका सेंट्रोइड यहां से कितना निकल के आएगा, तो यहां नीचे से कितना निकल के आता है, एच बाई थ्री पे निकल के आएगा। तो यहां से मैं लिख दूंगा कि सर एट द रेट एच बाई थ्री फ्रॉम बेस। ठीक है, बेस से एच बाई थ्री डिस्टेंस के ऊपर हम यहां पर एक्ट करा देंगे। ठीक है, तो ये तो हम निकाल ही सकते हैं एट द रेट एच बाई थ्री फॉर बेस। ठीक है, तो ऐसी चीजें तो आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहां पर अब बात करें नेक्स्ट के ऊपर सर। ठीक है, फोर्सेज एक्टिंग ऑन ग्रेविटी डैम के ऊपर दो फोर्सेज हमने यहां पर कैलकुलेट कर लिए। अब सर थर्ड थर्ड पे चलते हैं, थर्ड नंबर पर अपलिफ्ट प्रेशर। अपलिफ्ट प्रेशर क्या कहां लगता है, ये आपका बेस ऑफ द डैम पे लगता है। अब यहां पर बात करें तो बेस ऑफ द डैम पे आपका प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। देखिए अगर यदि यहां पर वेरिएशन चलने दें अपन साथ के साथ ही, तो इस साइड पे स्टिल वाटर पैकेट था आपका, ये इसकी हाइट एच थी, है ना, तो यहां पर हमको प्रेशर कैसा देखने को मिल रहा था, इस तरीके से देखने को मिल रहा था गामा डब्ल्यू इंटू एच का। और यहां पर हमने देखा क्या कि सर जो वाटर आपका सीप करते हुए निकलेगा, जो आपका वाटर सीप करते हुए निकलेगा वो कुछ इस तरीके से निकलेगा,
है ना भाई, इस साइड से वाटर निकलेगा, वाटर सीप करते हुए इस साइड क्या लगाएगा, अपलिफ्ट प्रेशर लगाएगा, है ना। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, अपलिफ्ट प्रेशर के बारे में कंसिडरेशन मैंने बता ही दिए हैं ऑलरेडी आपको कि अपलिफ्ट प्रेशर क्या लगाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ लगेगा। अब देखो इसके जो रिजल्ट्स हैं वो इसके देखो, यहाँ पर मान लेते हैं कुछ एक, यहाँ पर आपका वाटर का हेड स्मॉल एच है, इधर वाटर का हेड कैपिटल एच है ना। तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे, तो USBR यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ब्यूरो ऑफ रिक्लेमेशन ने यहाँ पर डायरेक्ट आपको रिजल्ट क्या दिया, उसने बोला कि आपका यहाँ पर अपलिफ्ट प्रेशर जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है आपका कि इस तरफ से कौन सा हेड चल रहा है, इस तरफ वाटर का कितना हेड चल रहा है, ठीक है, उसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है। यानी कि अगर यदि यहाँ पर मैं बात करूँ इस साइड पर हेड कितना है, गामा डब्ल्यू इंटू एच, तो यहाँ पर आपने लिख दिया सर गामा डब्ल्यू इंटू एच हेड यहाँ पर है, यहाँ पर हेड कितना चल रहा है, यहाँ पर हेड चल रहा है गामा डब्ल्यू इंटू स्मॉल एच, तो इतना ही हेड यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक एच से एच तक वेरिएशन है, वेरिएशन आपका लीनियर बन जाएगा। अपलिफ्ट प्रेशर कैसा लगता है, ऊपर की तरफ लगेगा आपका, इस तरीके से आपका प्रेशर यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। तो यहां पर USBR ने क्या कहा, USBR ने कहा कि यहां पर जो आपके पास इस साइड पे जो प्रेशर हेड है वही प्रेशर हेड आप इधर लिख दो, इधर लिख दो, और साथ के साथ आपने क्या कर दिया, यहां पर बना दिया। अब इसका एरिया कैलकुलेट करोगे तो आपके पास अपलिफ्ट प्रेशर की टोटल वैल्यू यहां पर निकल के आ जाएगी। तो कितनी निकल के आएगी जरा कैलकुलेट करेंगे, तो देखो ट्रेपेजॉइडल का एरिया आपसे कैलकुलेट करा रहा है, तो देखो ट्रेपेजॉइडल का एरिया यहाँ पर हमारे पास कितना निकल के आता है, तो अपलिफ्ट प्रेशर की वैल्यू अगर यहाँ पर मैं कैलकुलेट करूँ तो हाफ इंटू, अब देखो आपको कैसे निकालना होता है, देखो कभी भी ट्रेपेजॉइडल का एरिया निकालने को बोल दे, देखो एक तो आपके पास ये डिस्टेंस के अंदर चेंज है, ये डिस्टेंस के अंदर चेंज है, ठीक है। तो इस दोनों डिस्टेंसेस का और बीच में वेरिएशन लीनियर है, इन दोनों का तो एवरेज ले लिया करो, इसका तो एवरेज ले लिया करो, और यहां पर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया करो। यानी कि देखो आपको क्या करना है, एवरेज लेना है किसका, गामा डब्ल्यू एच का प्लस स्मॉल गामा डब्ल्यू एच का एवरेज ले लिया, इसका एवरेज ले लिया और मल्टीप्लाई कर दिया बी से, ठीक है। अब यहां पर चाहे तो अब आप इसको हटा दो हाफ को, हाफ का कोई रूल नहीं है, बस ठीक है। आपने क्या करना है, इसका इसका इन दोनों का एवरेज लेना, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है बस। तो यहां से अगर मैंने निकालू तो देखो मेरे पास क्या निकल के आएगा, हाफ इंटू गामा डब्ल्यू एच प्लस एच इंटू बी, ये आपके पास टोटल प्रेशर फोर्स यहां पर आपने निकाल लिया, ठीक है, निकल गया, ईजी था, बहुत ईजी था। क्या किया हमने, दोनों का एवरेज लेके हमने क्या कर दिया, बी से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट अगर यदि यहां पर बात करें कि अगर यदि मान लो कभी कभी क्या होता है कि देखो डैम के अंदर एक चीज प्रोवाइड कराते हैं जिसका नाम होता है ड्रेनेज गैलरी, वो ड्रेनेज गैलरी क्या चीज होती है यहां पर आपको ये बात पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहां पर तो ये जब है ना, जब मेरे पास नॉर्मल रिजल्ट यहां पर आपसे पूछा जाए, अगर यदि मान लो वो ऐसा बोल दें कि सर ठीक है ड्रेनेज गैलरी हमने प्रोवाइड की है, तो देखो ड्रेनेज गैलरी का केस क्या होता है, देखो ड्रेनेज गैलरी का केस भी देख लेंगे हम यहाँ पर। देखो जब ये अपलिफ्ट प्रेशर आपका बहुत ज्यादा अमाउंट में लग रहा होता है, जब आपने कह दिया कि सर अपलिफ्ट प्रेशर फोर्स की वैल्यू जो है ज्यादा चल रही है, तो अपलिफ्ट प्रेशर क्या करता है आपका कि अपलिफ्ट प्रेशर की वजह से इसका वेट कम होने लगेगा। ऑब्वियस बात है वेट जो लग रहा है उस वेट के अपसाइड डायरेक्शन में लग रहा है, वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ, यहाँ कहीं वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ, है ना, और ये क्या लग रहा है, ये ऊपर की तरफ लग रहा है, ये वेट को कम करने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि बचने के लिए, फेलियर से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड करा देते हैं। मान लो कि यहां पर मैंने एक ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड करा दी, अब देखो यहां पर देखो एक तरीके से कट ऑफ लगा दिया हमने, तो यहां पर जितना भी वाटर होगा वो सीप करते हुए वो इसके साइड थ्रू परकुलेट करते हुए यहां से हम निकाल लेंगे बाहर की तरफ, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया कि यहां पर ड्रेनेज गैलरी का मतलब क्या है कि एक वर्टिकल कट हमने प्रोवाइड करा दिया, एक बिल्कुल यहां से हमने एक कट प्रोवाइड करा दिया। इस कट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, यहां पे जो भी आपके पास वाटर आया था ना, इस पानी को हमने क्या कर दिया, इसके थ्रू हमने सीप करा दिया। देखो जो पानी होगा वो इस साइड से आपका निकल जाएगा आराम से, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये जो अपलिफ्ट प्रेशर जो आपका लग रहा होगा पहले उससे कम हो जाएगा। तो चलो ठीक है, इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसकी कैलकुलेशन कैसे करें सर, तो देखो कुछ नहीं करना आपको, जैसे पहले किया वैसे ही करते हैं अभी, आ जाओ। तो यहां पर अगर बात करके चलें कि सर ठीक है ये आपके पास ये बेस्ट चल रहा है, ठीक है, तो इस साइड यहां पर आपका वाटर का हेड कितना चल रहा है, एच चल रहा है, ये आपका एच हेड का वाटर इधर है और इधर स्मॉल एच हेड का वाटर इधर है, ठीक है। तो इधर तो देखो USBR ने तो गलत नहीं बोला था, USBR ने ये आपका बेस है, बी बेस है आपका, ठीक है। तो USBR ने क्या बोला था कि सर इस साइड तो आपका लगेगा गामा डब्ल्यू इंटू कैपिटल एच, है ना, और इस साइड लगेगा आपका गामा डब्ल्यू इंटू स्मॉल एच, ठीक है, इतना अभी भी इतना ही लगेगा। लेकिन अब बस फर्क क्या आ जाएगा कि देखो यहां से लेके यहां तक तो आपके पास क्या है, वो ड्रेनेज गैलरी है, तो यहां से लेके यहां तक अपलिफ्ट प्रेशर के अंदर क्या आएगी, कमी आएगी, क्या तेजी से कमी आएगी। तो देखो आपको जो वेरिएशन है वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक तो आपको ऐसा देखने को मिला वेरिएशन, इसके बाद आपको
कुछ इस तरीके से वेरिएशन देखने को मिलेगा, कमी कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। थोड़ा सा ज्यादा बना दिया मैंने, ठीक है, आया समझ? ठीक है, तो वेरिएशन कुछ इस तरीके से हो गया। देखो ये यहां से लेके यहां तक कम हुआ है, लेकिन यहां से लेके यहां तक थोड़ा तेजी से कम हुआ है, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करें तो सर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर यदि इस पॉइंट पे प्रेशर अगर मैं पी मान लूं, इसको मैं पॉइंट पे प्रेशर में प्रेशर इंटेंसिटी यहां पर पी मान लूं, तो इस पी की वैल्यू जो है आपको कैसे निकालनी होती है, ये आपको दे रखा है इसमें। देखो जो इन दोनों का डिफरेंस है, इसका 1/3 जो है आप ऐड कर देंगे सबसे स्मॉल वैल्यू में, यानी कि आपको देखो सबसे कम क्या है, गामा डब्ल्यू एच है ना। अब आप क्या करो, इन दोनों का डिफरेंस का 1/3 इसके अंदर एडिशनल ऐड कर दो। देखो गामा डब्ल्यू इंटू एच माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच। अब देखो इसके अंदर किया गया है हमने कि देखो ऑब्वियस बात है, यहाँ जो पी की इंटेंसिटी है, ये जो पी पे इंटेंसिटी जो है, ये गामा डब्ल्यू एच से तो ज्यादा रहने वाली है, तो गामा डब्ल्यू एच से ज्यादा कर दी हमने, स्मॉल गामा डब्ल्यू एच से। और ये जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा, इसका 1/3 कर देना। ये देखो ये आपका सीधा रिजल्ट है आपके पास यूएसबीआर के, तो ये आपको ऐसे ही याद रखने पड़ेंगे अपने प्रेशर के, ठीक है। ये इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा तरीका इजी कर रहा हूँ आपके लिए, है ना, इजी तरीका आपको मिल जाए। इसके लिए आपको क्या करना है कि गामा डब्ल्यू एच इससे तो ज्यादा रहने वाली है वैल्यू, और ये जो इन दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों के डिफरेंस से आप क्या कर देना, 1/3 कर देना। तो यहां से बहुत इजीली हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपने प्रेशर को कैलकुलेट कर लेंगे। अब चलो ठीक है, प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। अभी तो हमने पी निकाला है सिर्फ इसमें, यह ड्रेनेज गैलरी के जस्ट नीचे ही आपका, ठीक है। तो चलो सर निकालो। तो देखो अब यहां पर विद ड्रेनेज गैलरी, अब तक तो हमने विदाउट ड्रेनेज गैलरी देखा था, विद ड्रेनेज गैलरी आपके पास क्या रिजल्ट देखने को मिल रहा है, देखो। तो देखो विद ड्रेनेज गैलरी हम क्या करना, हमें क्या करना है, देखो एक तो यहां पर ट्रेपेजोइडल बन गया, एक ट्रेपेजोइडल यहां पर बन गया, दो ट्रेपेजोइडल अब आपके बन गए, तो दोनों ट्रेपेजोइडल का है। अब आपको एरिया कैलकुलेट करना है, तो एफ अपलिफ्ट प्रेशर की वैल्यू, या एफ लिख लो, एफ अपलिफ्ट लिख लो, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है आपके पास क्या निकल के आएगी, तो देखो पहले तो इस ट्रेपेजोइडल का एरिया कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने बोला वैसे निकालना है, कोई अलग नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो यहां पर देखा हमने कि सर पी का गामा डब्ल्यू एच का आपने क्या कर लेना, पी प्लस गामा डब्ल्यू एच का आपने क्या कर लेना, एवरेज ले लेना। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यहां पर मैं मान लेता हूं स्मॉल बी है, ये स्मॉल बी है, ठीक है, इनटू स्मॉल बी, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर आपने करना है कि प्लस, अब आपको इन दोनों के बीच का एरिया लिया, तो ये कितना है, पी प्लस गामा डब्ल्यू इंटू स्मॉल एच डिवाइड बाई टू। अब ये जो डिस्टेंस है ये आपकी कितनी हो जाएगी, ये बी है तो ये कितनी हो जाएगी, बी माइनस एच, बी माइनस एच, ठीक है, बी माइनस बी, सॉरी बी माइनस एच, बी माइनस स्मॉल बी, ओके, ठीक है। तो ये आपका अपलिफ्ट प्रेशर की कैलकुलेशन हो गई, ठीक है। ये आपसे ऐसे हम अपलिफ्ट प्रेशर निकाल लेंगे अगर ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड कर रखी है तो, ठीक है, नहीं कर रखी है तो हमको डायरेक्टली देख लेना है, कर रखी है तो हमको ऐसे देख लेना है, ठीक है, ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर ये निकालना है, इसके बाद तो एरिया कैलकुलेशन करना है आपको, सिर्फ इनका है ना, एरिया कैलकुलेट करके आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर यदि यहां पर आगे बढ़े तो थर्ड आपके पास निकल के आता है, देखो अर्थक्वेक में आपके हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल एक्सेलरेशन दोनों के तरीके से आपके आ सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन वाला भी आ सकता है, वर्टिकल एक्सेलरेशन वाला भी आ सकता है। तो पहले यहां पर बात कर लेते हैं वर्टिकल एक्सेलरेशन वाले की। तो चलो ठीक है, यहां पर देखो आप एक बात बताओ मेरे को कि आप कभी लिफ्ट में गए? सर बिल्कुल गए हैं। लिफ्ट नहीं जाएंगे क्या? हम नहीं जाए, हम और लिफ्ट नहीं जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। चलो ठीक है, लिफ्ट में गए, आपको भेज दिया लिफ्ट में, ये आप लिफ्ट, ठीक है। तो देखो लिफ्ट में जब मैं बात करूं एक बार ऊपर जाने की, जब लिफ्ट आपकी ऊपर की तरफ जाए तो क्या होगा सर? देखो कभी ऊपर की तरफ गई है लिफ्ट तो देखना, देखा होगा आपने कि जैसे लिफ्ट आपकी ऊपर की तरफ जाती है वैसे आपको क्या पता, क्या महसूस होने लगता होगा कि आपके पास वेट में क्या हो गई, वेट में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो गई, वेट आपका क्या करेगा, बढ़ गया एक्स्ट्रा, ठीक है। यहां पर जब आपने देखा कि सर ठीक है, जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको क्या लगेगा, जैसे वर्टिकल एक्सेलरेशन आपने नीचे किया, यानी कि यहां पर अल्फा वी कर रहा हूं मैं, वर्टिकल एक्सेलरेशन को अल्फा वी बोल देता हूं। अगर अल्फा वी वर्टिकल अगर नीचे लगा तो आपको क्या लगता है कि देखो लिफ्ट जब नीचे की तरफ जा रही है, यानी कि अल्फा वी वर्टिकल एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि आपको वेट थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा चाहे आप लगा दें। इसका रीजन क्या होता है, देखो चाहे आप महसूस करके देखना कभी, जब लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है तो वेट आपको कम लगेगा, ऊपर की तरफ जा रही है तो वेट ज्यादा लगेगा। अब एक बात बताओ मुझे कि यहां पर ग्रेविटी डैम के अंदर मेजर रेजिस्टिंग फोर्स कौन सा है? वेट है। तो अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हुआ तो वेट इसको क्या लगेगा, कम लगेगा, ऊपर की तरफ हुआ तो वेट ज्यादा हो जाएगा, तब तो आपके पास कोई दिक्कत ही नहीं है,
वेट सर ज्यादा हो गया, वेट ज्यादा हो गया तो क्या हुआ, आपका स्टेबलाइजिंग फोर्स ज्यादा बढ़ गया, तो मेरा क्या रहेगा, डैम स्टेबल रहेगा। लेकिन ये अगर यदि वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर इसका एक्सेलरेशन हो गया तो वेट जो अभी अपना जो ग्रेविटी डैम का वेट चल रहा है ना, वो वेट के अंदर इसको लगेगा क्या, कमी लगने लगेगी। अब देखो ऐसा होता क्यों है, क्योंकि यहां पर आपका एक सूडो फोर्स क्या करता है, ऊपर की तरफ आपका लगता है, ठीक है, ऊपर की तरफ सूडो फोर्स आपका लगने को लग जाता है, ठीक है। ये कितना लगता है, अल्फा इनटू जी, ठीक है, इतना आपको लग जाता है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो वेट के अंदर देख लेते हैं, सबसे पहले कैलकुलेशन सबसे पहले वेट की देखेंगे। तो देखो आपका जो वेट है वो वेट आपका चेंज होने लग गया। एक्चुअली क्या है कि एक्चुअल कंडीशन में अगर वेट आपका डब्ल्यू है, ठीक है, तो डब्ल्यू डैश आपको क्या देखने को मिलेगा, माइनस एम अल्फा वी। अब देखो यहां पर अगर मैंने निकाला तो वेट बराबर क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी, डब्ल्यू बराबर एमजी तो पड़ा होगा, या फिर डब्ल्यू बराबर एम ए तो पड़ा होगा, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन तो पड़ा होगा। तो यहां पर मास की जगह मास रखा है, एक्सेलरेशन की जगह हमने क्या रख दिया, अल्फा वी। वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो जब हम वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को कंसिडर करते हैं तो यहां पर डब्ल्यू की वैल्यू कितनी देखने को मिलती है, डब्ल्यू माइनस एम अल्फा वी, ठीक है। अब सर डब्ल्यू डैश की वैल्यू आप कितनी रह जाएगी, नेक्स्ट आपके पास जो रेजिस्टिंग फोर्स है वो आपके पास कितना रह जाएगा घटके, तो यहां पर डब्ल्यू को अगर यदि यहां पर आप ले लो, डब्ल्यू निकाल लिया तो डब्ल्यू को आपने कॉमन लिया तो यहां पर क्या आएगा, वन माइनस एम बाई डब्ल्यू इंटू अल्फा वी, ठीक है। तो यहां पर आपको पता है डब्ल्यू बराबर क्या होता है, वेट बराबर क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी, यही होता है क्या, अरे सही बोल रहा हूँ क्या, यही होता है, चलो ठीक है, डब्ल्यू बराबर वन माइनस अल्फा वी अपॉन जी, ठीक है। देखो एम एम से एम कट जाएगा, एम जी रखोगे यहां पर तो एम से एम कट जाएगा, जी का जी बच गया, ठीक है। अब ए जो अल्फा वी अपॉन जी है, अल्फा वी अपॉन जी है, ठीक है, दिख रहा है बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। अब आपका जो नया यहां पर आपको देखने को मिलेगा डब्ल्यू डैश बराबर डब्ल्यू इंटू, यहां पर अगर मैं बात करूं वन माइनस के वी, इस अल्फा वी अपॉन जी को हम एक कॉफिशियंट लिखते हैं जो कॉफिशियंट ऑफ वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर आपके पास निकल के आता है, ठीक है। ये कॉफिशियंट ऑफ वर्टिकल एक्सिलरेशन, या फिर मैं कह दूं कि के वी जो है आपका वर्टिकल एक्सिलरेशन कॉफिशियंट है, ठीक है, बस इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये जो वेट है, इस वेट के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, बस इतनी बात आपको क्या करनी है, थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये जो केवी की वैल्यू है, ये केवी की वैल्यू डिपेंड करती है डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर, ठीक है, तो जोन ऑफ रीजन के ऊपर आपकी डिपेंड करती है, जो कि आपका पास वेरी करता है केवी, केवी आपका वेरी करता है 0.05 जी से लेके 0.3 जी, ठीक है। तो यहां पर इसके बीच में लाई करते हैं, ठीक है। अब आपका ये जो केवी है डिफरेंट रीजन में डिफरेंट होता है। आई एस 1893 आपने पढ़ा होगा अर्थक्वेक के लिए, है ना, तो अकॉर्डिंग टू आई एस 1893 सन भी बता दूं 2002, ठीक है, आपको 5 जोन दिए हुए हैं, ठीक है। तो जोन आपके पास जोन फिफ्थ, जोन फोर, जोन थ्री एंड जोन टू, ठीक है। पहले 5 जोन दिए हुए थे, इन 5 जोनों में से आपका जोन 1 को खत्म कर दिया है। अब इस जोन को आपने, इस जोन के अंदर हमने डिपेंड कर दिया है, किस जोन के अंदर, देखो जोन 5 के अंदर जो भी आपके सीरीज आते हैं उसके अंदर आपके जो भी रीजन आते हैं उसके अंदर ज्यादा अर्थक्वेक आता है, ठीक है। जोन 4 में कम आता है, 3rd में कम आता है, 2nd में और कम आता है, ठीक है। जोन 1 भी था, लेकिन जब भुज के अंदर जब भूकंप वगैरह आए गुजरात के अंदर, तो ठीक है, तो वहां के बाद जोन 1 को खत्म कर दिया था, कम से कम मिनिमम आपका जोन 2 तो आपका रहना ही रहना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं, केवी की वैल्यू जो है पूछ ली जाती है कभी कभी, केवी बराबर अल्फा वी अपॉन जी होता है, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रख लेनी है, ठीक है। अब यहां पर बात करें अर्थक्वेक प्रोसेस, सर इसमें तो कुछ नहीं था, बस वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में हमने भेजा था, उस हिसाब से हमने निकाल लिया कि नेट इफेक्टिव वेट कितना आएगा। अगर यदि ये जो नेट इफेक्टिव वेट जो आपका वर्टिकल एक्सेलरेशन के बाद भी आ जाता है ना, जैसे IS 1893 से हमने देख लिया कि सर कितने रीजन के आपके पास यहां पर अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटीज है, तो जो भी पॉसिबिलिटीज है उसके हिसाब से हमने यहां पर वर्टिकल कोफिशिएंट निकाला, वर्टिकल केवी की वैल्यू निकाल के हमने देख लिया कि अब जो है वेट कितना रह जाएगा, क्या अब भी ये वेट क्या कर पाएगा, क्या स्टेबल कर पाएगा बाकी सारे वेट्स को। देखो एक साथ काफी सारे वेट्स लग रहे हैं आपके, है ना। अब यहां से आपने केवी की वैल्यू उठाई है जोन के ऊपर से, IS 1893 से केवी की वैल्यू। अब इससे आपने देख लिया कि सर जो आपके पास अगर इस रीजन के अंदर इस टाइप का अगर यदि आपके पास अर्थक्वेक आता है, तो देखो अर्थक्वेक आ गया तो मेरा ऐसा नहीं हो कि सर ठीक है जैसे कि 2-3 साल बाद अर्थक्वेक आ गया तो मेरी डैम की लाइफ खराब हो जाए, ऐसा हम करते नहीं है। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, इस वेट को निकालने के लिए हमने वहां से उठाया, जोन से हमने केवी की वैल्यू उठाई,
और हमने क्या लग दिया डब्ल्यू डैश की वैल्यू निकाल ली। तो ये वेट जो है आपके पास जो निकल के आए वो आपके पास तब भी ज्यादा होना चाहिए अगर अर्थक्वेक आया तब भी आपके पास बाकी सारे फोर्सेस को क्या करना है स्टेबल कर दे वो, ठीक है। तो बाकी सारे फोर्सेस को स्टेबल कर दे तब भी रहे, इसलिए हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सर जरूरी थोड़ी है वर्टिकली एक्सेलरेशन आएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन के बारे में। सर अगर यदि हॉरिजॉन्टल अगर यदि एक्सेलरेशन देखने को मिला तो देखो यहाँ पर आपको वैल्यूज जो है थोड़ी सी आपको याद रखनी पड़ेगी, थोड़ी वैल्यूज आपको थोड़ी सी हल्की सी याद रखनी पड़ेगी। देखो थोड़ी सी वैल्यूज हैं जो कि आपको थोड़ा याद रख लेना है कि यहाँ पर आपके वर्टिकल अगर यदि आपके हॉरिजॉन्टल आया तो हॉरिजॉन्टल का कोई इफेक्ट नहीं है वैसे, है ना, हॉरिजॉन्टल का कोई इफेक्ट नहीं है खुद से, लेकिन यहाँ पर आपकी आपको जो कंसिडरेशन निकल के आएगा हाइड्रो इसे अर्थक्वेक प्रेशर के अंदर ही बता रहा हूँ हाइड्रो डायनेमिक फोर्स की वजह से आपका निकल के आएगा। अब आप बोलेंगे सर हाइड्रोडायनेमिक फोर्स ये क्या हो गया। देखो अर्थक्वेक वगैरह आएंगे तो आपके पास ऑब्वियस बात है कि इसके अंदर यहां पर आपको टर्बुलेंस देखने को मिलेगी वाटर के अंदर, है ना। तो वाटर के अंदर आपके पास एक्स्ट्रा प्रेशर आपका एग्जर्ट करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में एक्स्ट्रा प्रेशर क्या करेगा ये एग्जर्ट करने की कोशिश करेगा नहीं करेगा, करेगा सर बिल्कुल करेगा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं अल्फा वी के बारे में, सॉरी अल्फा हॉरिजॉन्टल के बारे में, तो अल्फा हॉरिजॉन्टल का वैसे डायरेक्ट कोई रोल नहीं है क्योंकि वो वेट वगैरह को तो कम कर नहीं रहा मेरे, है ना, लेकिन ये क्या कर रहा है कि आपकी जो फोर्स जो आपका स्टिल वाटर थी जो भी आपके वेव प्रेशर जो है जनरल कंसिडरेशन में आपके निकल के आ रही थी उससे ज्यादा ही करके दे रहा है। ये क्या कर रहा है कि मोमेंट्री इंक्रीज कर देगा, ये फोर्सेस के अंदर मोमेंट्री क्या कर देगा इंक्रीज कर देगा। तो यहां पर ये जो आपके पास हाइड्रोडायनेमिक फोर्स है ये आपके पास लगने लग जाएगा, ठीक है, एक्स्ट्रा फोर्स आपको जो लगने लगेगा। अब सर ये एक्स्ट्रा फोर्सेस जो है इसको हम वॉन कारमान की इक्वेशन से हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये जो एक्स्ट्रा फोर्स जो मेरा निकल के आता है अर्थक्वेक की वजह से ये आपके पास पी हाइड्रोडायनेमिक जो निकल के आ रहा है ये निकल के आता है 0.555 के एच गामा डब्ल्यू इंटू एच स्क्वायर, ठीक है, ये आपका निकल के आता है। अब सर इसकी वैल्यूज कहां पर रहती है तो देखो आपको पता होना चाहिए ये जो है बेस से लेके आपके पास 4h/3π हाइट के ऊपर एक्ट करता है फ्रॉम बेस एट द रेट 4h/3π फ्रॉम बेस। अगर देखो किसी को ये याद नहीं रहता 4h/3π तो यहां पर याद रखना 0.424, ठीक है, ये इतनी वैल्यू निकल के आती है, ठीक है, 0.424 इंटू मल्टीप्लाई बाई एच। अब देखो कभी कभी क्या करता है वो मोमेंट पूछ लेता है हाइड्रोडायनेमिक फोर्सेस का, तो मोमेंट बराबर क्या होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्सेस कितना है आपका 0.424h, तो यहां पर 0.424 इनटू phd इनटू h, ये आपसे मोमेंट निकाल लेंगे अगर कोई पूछ ले तो, ठीक है, पूछ ले तो, ठीक है। और यहां पर आपको याद क्या रखना है कि यहां पर ये जो अल्फा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो आपका लगता है वो ट्वाइस आपका ज्यादा लगता है वर्टिकल, ठीक है, और अल्फा एच की वैल्यू वही होती है आपके पास के एच इंटू जी, के एच आपका हॉरिजॉन्टल कोफिशिएंट है, ठीक है, ये दो वैल्यू आपको और एडिशनल याद कर लेनी है, बाकी सब बात सेम है, यहां पर एच लिखना है ना अल्फा एच बराबर, ठीक है। अब यहां बात करेंगे हम सिल्ट प्रेशर के बारे में। तो देखो सिल्ट प्रेशर क्या होता है, सिल्ट प्रेशर को कैसे निकालेंगे, तो देखो ये आपका यहां पर ग्रेविटी डैम यहां पर बना दिया है मैंने, ठीक है, यहां पर ग्रेविटी डैम आपसे बना दिया है। अब यहां पर देखो ग्रेविटी डैम के कंसीडरेशन के अंदर यहां पर अगर मैं देखूं तो देखो यहां पर आपके पास वाटर आ रहा है, मान लो वाटर का हेड, एक मिनट ये क्या हुआ, चलो ठीक है, यहां पर वाटर का हेड आ रहा होगा, ये आपके पास निकल के आया वाटर का हेड एच है, ठीक है, इस तरीके से। अब यहां पर देखा आपने सिल्ट कंटेंट आ रहा होगा इसके साथ साथ, तो ये सिल्ट जो है इस तरीके से नीचे की तरफ आएगा, देखो नीचे तो होता है सिल्ट, मैक्सिमम सिल्ट आपका नीचे ही होता है, ठीक है, तो यहां पर नीचे की तरफ से ये जो सिल्ट है ये आपका कलेक्ट होता जाएगा और ये आपके ऊपर प्रेशर जो है आपका लगाता जाएगा। तो एक तरीके से जो सोइल है, सोइल जो आपके सबमर्ज स्टेट के अंदर है, सबमर्ज स्टेट के अंदर जो आपकी सोइल है ये सोइल इसके ऊपर प्रेशर लगा रही है और ये प्रेशर जो है अपना, अगर आपने सोइल मैकेनिक्स थोड़ा पढ़ा है तो ये एक्टिव अर्थ प्रेशर लगा रही है इसके ऊपर, ठीक है, देखो यहां पर आके बार बार लगाया जा रहा है, ठीक है, तो ये एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या लगाएगी इसके ऊपर लगा रही है। अब ये एक्टिव अर्थ प्रेशर यहां पर लगा रही है तो सर इसको निकालेंगे कैसे, तो देखो यहां पर जो है यहां पर ये गामा जो है अब सबमर्ज्ड कंडीशन में है इनटू एच है, ठीक है, तो अब देखो इसका एरिया निकालो आप, देखो ऊपर की तरफ सिल्ट है नहीं, नीचे की तरफ सिल्ट है, सिल्ट कितनी है, वाटर था तो गामा इंटू एच लिख लिया था, गामा डब्ल्यू इंटू एच लिख लिया था। अब सबमर्ज्ड में सोइल है तो गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी, गामा सबमर्ज्ड आ जाएगी, इंटू एच कर लेंगे हम, गामा सबमर्ज्ड इंटू एच कर लिया, तो सिल्ट प्रेशर जो टोटल निकल के आएगा एफ एस वो कितना निकल के आएगा, वो निकल के आएगा हाफ इंटू गामा सबमर्ज्ड
इनटू एच स्क्वायर। लेकिन यहां पर ये अर्थ प्रेशर है, तो अर्थ प्रेशर के लिए अर्थ प्रेशर का एक्टिव अर्थ प्रेशर का आपका कोफिशिएंट निकल के आएगा, दैट इज योर के ए। ये एडिशनल में आपका ऐड कर देना, हाफ के ए गामा सबमर्ज इनटू स्मॉल एच स्क्वायर, जहां पर स्मॉल एच क्या है, यहां पर ये स्मॉल एच है, सॉरी, ठीक है। इसको यहां पर हल्का सा, यहां पर कैपिटल एच नहीं है, स्मॉल एच है, ठीक है। ये इसकी हाइट के बराबर ही तो लग रहा है, ये इसको थोड़ी लेंगे, इसको लेंगे, है ना, ठीक है। तो यहां पर अर्थ के क्या होता है, अगर k के बारे में पढ़ा है तो k क्या होता है आपको पता होना चाहिए। k आपके पास क्या होता है, यहां पर होगा 1 माइनस साइन फाइ अपॉन 1 प्लस साइन फाइ, ये आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर का कोफिशिएंट है। यहां पर आपके पास पता होना चाहिए गामा सबमर्ज इनटू h। और यहां पर आपको एक बात और यहां पर ध्यान होना चाहिए कि ये लगेगा कहां पर, ट्राइंगल है तो कहां लगेगा, h बाई 3 पे लगेगा। तो यहां पर एट द रेट h बाई 3 फ्रॉम बेस, ठीक है। Easy था, बहुत इजी कैलकुलेशन थी, ठीक है। सिल्ट प्रेशर है, आपने डायरेक्टली निकाल लिया, ठीक है। अब बढ़े आगे की तरफ, सर ये हो गया सिल्ट प्रेशर हमारा बहुत अच्छे से कंप्लीट, ठीक है। अब देखो सिल्ट प्रेशर के बाद यहां पर हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप से, तो नेक्स्ट निकल के आ रहा है हमारे पास, वो निकल के आएगा वेव प्रेशर, ठीक है, वेव प्रेशर। अब देखो वेव प्रेशर कैसे निकालेंगे, देखो यहां पर मैं आपको इतनी सी ही स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ठीक है। ये आपके पास इस तरीके से, यहां पर आपके पास स्टिल वाटर बॉडी चल रही है, और जो वाइंड डिस्टरबेंस की वजह से यहां पर आपके पास इस तरीके से कुछ आपको वेव्स देखने को मिलेगी, ठीक है। ये ज्यादा बना दी है मैंने थोड़ी सी, है ना, इतनी ज्यादा नहीं आएगी लेकिन थोड़ी कम आएगी, ठीक है, लेकिन ठीक है स्टिल। तो यहां पर आपकी वेव की वजह से, वेव आ जाने की वजह से आपको दिख रहा है कि सर ये जो वेव है ना, ये वेव जो आ रही है ये इसके ऊपर जा रही है, इसके ऊपर ज्यादा अमाउंट पे जा रही है। तो देख लेना यहां पर ये जो वेव प्रेशर है इसको मैं PW से यहां पर डिनोट कर देता हूं। तो देखो PW की वैल्यू जो है आपकी, ये भी आपको डायरेक्टली आपकी गिवन है एम्पेरिकल इक्वेशन से, इसको हम कैसे भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो PW आपको डायरेक्टली आपको याद रखना, PW की वैल्यू आपकी निकल के आती है 119.62 HW का स्क्वायर, ठीक है। ये आपको किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। 19.62 इंटू HW का स्क्वायर। HW यहां पर हाइट ऑफ वेव है, HW इज द हाइट ऑफ वेव, ठीक है। और यहां पर आपके पास ये एक्ट कहां करेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए कि सर ये जो है 3/8 ऑफ HW पे आपका वेट एक्ट करेगा, 3/8 HW कहां से, अबो सरफेस से, 3/8 एट द रेट 3/8 ऑफ HW अबो रिजर्वायर लेवल, रिजर्वायर लेवल, ठीक। रिजर्वायर लेवल से अब 3/8 एच पे यहां पे आपका क्या करता है, ये वेव प्रेशर आपका एक्ट करता है। और अगर यदि आपसे पूछे HW की वैल्यू क्या है, तो ये आपकी हाइट ऑफ वेव है, सॉरी ये हाइट ऑफ वेव, ठीक है। तो ये इतना आपका एक्ट करेगा वेव प्रेशर, ठीक है। अब चलो बात करते हैं लास्ट प्रेशर के ऊपर, वो है आपके पास आइस प्रेशर। देखो आइस प्रेशर की कोई वैल्यू आपको नहीं दे रखी, रीजन के ऊपर आपका डिपेंडेंट होता है आइस प्रेशर। अगर यदि मान लो जैसे अंटार्कटिका वगैरह वाले रीजन है, वहां पर आइस प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अदर। देखो डेंसिटी में डिफरेंस आता है, तो यहां पर आपके पास आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आता है आपका, है ना। तो इसी वजह से आइस क्या करता है, एक्स्ट्रा प्रेशर आपका एक्सर्ट करता है, ये दैट एक्स्ट्रा प्रेशर विल बी नोन एज आइस प्रेशर, है ना। तो ये आइस प्रेशर जो है 250 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर से लेके आपका 1500 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक आपका वेरी करता है, ठीक है। अब देखो यहां पर एक छोटा सा पॉइंट और है, वो आपको और याद रख लेना है कि देखो यहां पर ये जो हाइट ऑफ वेव है ना, इसको निकालने का आपसे कभी भी पूछ सकता है वो कि सर हाइट ऑफ वेव आपके पास क्या होती है, फेज लेंथ क्या होती है, इसके बारे में आपसे पूछ सकता है सवाल। बट हालांकि जनरल कंसिडरेशन में इतना नहीं पूछता है, क्योंकि वो फॉर्मूला जो है काफी बड़ा है, वो उसका एम्पेरिकल आपसे डेरिवेशन आपसे हो नहीं पाएगा, इसलिए पूछता नहीं है इससे जनरल कंसिडरेशन, ठीक है। तो अगर यदि आप उसको देखना है तो आप उसको चेक कर सकते हैं, बट वो हाइट ऑफ वेव निकालने का फॉर्मूला आपसे नहीं पूछता, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या हो, अगर यदि सर ठीक है ये तो आपने सर जनरल कंसिडरेशन के अंदर आपको बता दिया। अब यहां पर आपको एक बात और थोड़ी सी याद रख लेनी है कि सर ठीक है वाटर प्रेशर हमने कैलकुलेट किया था, ऑब्वियसली बात है सर वाटर प्रेशर कैलकुलेट किया था हमने, बहुत अच्छे से किया था। अब देखो वाटर प्रेशर के अंदर एक छोटी सी कैलकुलेशन अगर यदि कैसे की जाए, अगर यदि वाटर प्रेशर अगर यदि आपको ऐसा दे दे, अगर यदि ये ग्रेविटी डेम अगर आपको ऐसा दे दे, बेस अगर आपको ऐसा बड़ा करके दे दे। अब देखो बेस को क्यों बड़ा कर देते हैं, बेस को बड़ा सिर्फ इसलिए कर देते हैं क्योंकि हमको क्या चाहिए, यहां पर देखो वेट ज्यादा बढ़ाना है, तो वेट ज्यादा बढ़ाना है साथ में इसको स्टेबल बनाना है, स्टेबल बनाने के लिए हम बेस को क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है।
अगर सर ऐसा कैलकुलेशन दे दे तो सर वाटर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो सिर्फ और सिर्फ वाटर प्रेशर की कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ, वाटर प्रेशर के बारे में ही पूछता है, बाकी तो आपके पास रिजल्ट जो है लगभग सेम रहता है सब जगह। तो वाटर प्रेशर के लिए एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन हम यहाँ पर कर देते हैं। तो ये मेरे मान लो कि ये हाइट, ये एच है। अब यहाँ पर देखो वाटर प्रेशर एक तो यहाँ पर लग ही रहा है, ये तो आपके पास लगेगा ही लगेगा स्टिल वाटर वाला, ठीक है। स्टिल वाटर वाली कंसिडरेशन के अंदर हमने देख लिया था ऑलरेडी, इतना प्रेशर तो आपका लगता ही लगता है। लेकिन ये जो इतना पार्ट है, ये इतना पार्ट आपका एडिशनल आ गया कि नहीं आ गया? आपने कहा सर बिल्कुल आ गया। ये जो पानी है, ये पानी, ये वाटर आपका ज़्यादा एडिशनल आया नहीं आया? आपने कहा सर बिल्कुल ये वाला प्रेशर जो है आपका थोड़ा सा एड आ गया, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर लो इसका एरिया कैलकुलेट करके, है ना। अगर कभी ऐसा कंसिडरेशन में अगर आपसे बोल दे कि सर ये जो है आपके पास कैसे निकालेंगे, तो ये आपने निकाल लिया। अब यहाँ पर इसका वेट निकाल लो, एफ वर्टिकल निकाल लो, ठीक। वाटर का आपने, वाटर कितना वेट का वाटर है आपका, ऊपर से नीचे तक कितना लग रहा है, इसको आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो देखो कितना निकल के आएगा। अगर यदि कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो एफ एच तो आपका सेम चलने वाला है। देखो दो आ गए, एक तो एफ हॉरिजॉन्टल में आ गया, एक एफ वर्टिकल में आ गया। हॉरिजॉन्टल के अंदर कितना चल रहा था, वही हाफ गामा डब्ल्यू इंटू एच, हाफ गामा डब्ल्यू एच स्क्वायर। अब वर्टिकल के अंदर जो देखें तो वर्टिकल के अंदर आपके पास कितना निकल के आएगा, तो देखो एफ जो है टोटल वाटर है ना, ये वाटर का वेट इसके अंदर क्या लग रहा है, थोड़ा सा एडिशनल लग रहा है। तो यहां पर क्या कर देंगे, वाटर का वेट कितना लगेगा, तो देखो वेट कितना लगेगा, गामा डब्ल्यू इंटू, देखो वेट गामा बराबर क्या होता है, वेट अपन वॉल्यूम। तो सेम आपके पास क्या हो जाएगा, गामा डब्ल्यू इंटू वॉल्यूम, ये आपके पास एडिशनल आपके पास वेट निकल के आएगा। अब इस वॉल्यूम को भी हम क्या कर सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ के अंदर कर सकते हैं कैलकुलेट, और लेंथ आपकी एडिशनल मान लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहां पर बढ़ा सकते हो, और जो आपका रिजल्टेंट फोर्स जो निकल के आएगा एफ आर, वो आपका निकल के कैसे आता है, अंडर रूट ऑफ एफ एच स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एफ वी स्क्वायर, ठीक है। ये आपका रिजल्टेंट फोर्स यहां पर निकल के आ जाएगा, अगर वाटर प्रेशर कैलकुलेट करा ले ऐसे बेस को बड़ा करके तो, ठीक है। इस केस में आपको याद रखना है कि सिर्फ इतनी सी बात अगर आपने याद रख ली ना, कि ये जो वेट है, ये वेट एक्स्ट्रा आ रहा है, देखो पानी तो लग ही रहा है पूरा, बस ये वेट क्या कर रहा है कि एक्स्ट्रा इसके ऊपर लग रहा है ना, तो ये वेट को अलग से निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास फोर्सेस सारे के सारे कैसे निकालते हैं ग्रेविटी डैम के बारे में, वो सारी बातें हम यहाँ पर जान चुके हैं। ओके गाइस, बाय। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।